जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, हम आवाज दे रहे हैं। पुष्पा जी नहीं मैडम, सब डेंटिस्ट के पास गए हैं, उन्होंने आपको बताया। अरे हाँ हाँ, उन्होंने बताया था, सॉरी हम भूल गए। अच्छा वो जो कैश डिलीवरी की वैन है जो बैंक जा रही है वो यहाँ आ चुकी है। हमें दरअसल हेडक्वार्टर से फोन आया था कि इनका जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है उसकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो अब हम में से किसी को जाना होगा सिक्योरिटी डिटेल के लिए। एक काम कीजिए, आप चीता को भेज दीजिए, उसे कहिए कि आज वो काम साथ करेगा। चीता का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जब से ये फौजदारी वाला मामला हुआ है उसको बहुत ही भारी मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचा है। ना ठीक से किसी की बात सुन रहा है, ना कुछ कर रहा है, अपने आप को एक रूम में उसने बंद कर लिया, चुपचाप बैठा है। देखिए करिश्मा सिंह, हम चीता की परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि जब तक वो इस सब से बाहर नहीं निकलेगा, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, खुद को काम में बिजी नहीं करेगा, वो निकल ही नहीं पाएगा। इससे बेहतर है वो जाए, कुछ काम करे। और देखिए सच बात तो ये है कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, ड्यूटी करनी पड़ती है, चाहे वो आप हो या चीता, तो उसे प्लीज़ कहिए कि ये हमारे डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, ये काम से इनका जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो अब वो सिक्योरिटी के लिए हम में से किसी एक को जाना होगा। एक काम करिए, आप चीता को भेज दीजिए, उसे कहिए कि आज की वो ड्यूटी ये संभालेगी। उसका मानसिक स्थिति तब जानती है मैडम सर, जब से उसके साथ वो फौजदारी वाला मामला हुआ है, बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक आघात हुआ उसे। बहुत डिप्रेशन में, ना ठीक से किसी से बात कर रहा है, ना किसी की सुन रहा है, बस एक जगह चुपचाप बैठा है कब से। देखिए क्या है, हम उसकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं करिश्मा सिंह, लेकिन जब तक वो इस सब से बाहर नहीं निकलेगा, खुद को बिजी नहीं करेगा, काम पर ध्यान नहीं देगा, वो इस सब से कभी निकल ही नहीं पाएगा। इससे बेहतर है ना कि वो जाए, डिस्ट्रैक्ट करे खुद को। और वैसे भी ये ड्यूटी है, हम चाहे कितने भी परेशान हो, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है, चाहे वो आप हो, हम हो या चीता। उसे कहिए कि ये हमारे डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, ये ड्यूटी वही संभाले। जी मैडम सर। Okay.